हेलो वेलकम बैक टू द चैनल सो फ्री भी एक डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से संबंधित एक फंक्शन है इसकी मदद मतलब से हम क्या कर सकते हैं द फ्री फंक्शन रिलीजेज द डायनेमिक मेमोरी विच पास प्रीवियसली एलोकेटेड बाय मैलोक और कैलोक जब भी हम मैलोक और कैलोक का यूज़ करते थे तो एक सिंगल ब्लॉक या फिर मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है वो एलोकेट होती थी एंड देन वो फंक्शन चाहे वो मैलोक हो चाहे कैलोक हो एक पॉइंटर रिटर्न करता था जिसे हम यूज़ करते थे एक एक्सटर्नल पॉइंटर से एंड देन उस पॉइंटर की मदद से हम इन एलिमेंट्स को इन मेमोरी uh, ब्लॉक्स को एक्सेस करते थे सो so फ्री क्या करता है मेलोक और कैलोक ने जो भी मेमोरी एलोकेट की है उसे रिलीज कर देता है यानी उसे डी एलोकेट कर देता है अब इट इज़ अ सिंगल आर्ग्यूमेंट फंक्शन इसका जनरल फॉर्म देखते हैं कि लिखना है फ्री एंड देन इसमें पास करना है वो पॉइंटर है वो पॉइंटर वेरिएबल जो मैलॉक या कैलॉक की मदद से जो मेमोरी एलोकेट की गई है उसे पॉइंट कर रहा है इससे कंपाइलर क्या समझेगा कि फ्री किसे करना है वो पॉइंटर जो कि किसी डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है एंड इसका टाइप जो होता है वाइट इट मीन्स ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ओके नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पी जो है यहाँ पर पी टी आर इट स्पेसिफाइज दैट पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग डायनेमिक मेमोरी विच वॉज़ प्रीवियसली एलोकेटेड बाई मैलॉक और कैलॉक यानी कि मैलॉक और कैलॉक से जो मेमोरी एलोकेट की गई थी उस मेमोरी को ये पी आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है यानी आपको डिनोट करते हैं हम उसे इन सी लैंग्वेज डायनमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज़ नॉट रिलीज ऑटोमेटिकली मतलब सी लैंग्वेज में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जो भी डायनामिक मेमोरी एलोकेट की गई है चाहे वो से की गई हो चाहे वो कैलोक से की गई हो वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाए सो so, इसे एक्सप्लिसिटली फ्री, फ्री फंक्शन की मदद से ये प्रोग्रामर का काम होता है कि वो इसे फ्री करें अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्यों फ्री करें क्योंकि हो सकता है कि मेमोरी की आवश्यकता प्रोग्राम में आगे किसी टास्क के लिए लगे और क्योंकि ये एलोकेटेड मेमोरी फ्री नहीं है सो हो सकता है कि वो आगे वाला टास्क परफॉर्म ना हो पाए इसलिए ये एक्सप्लिसिटली फ्री फंक्शन को कॉल करके उस मेमोरी को फ्री करना ज़रूरी होता है ऑल दो देखिए जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कम्प्लीट होगा प्रोग्राम कम्प्लीट होने के बाद बंद होगा तो वो मेमोरी तो फ्री होने ही वाली है राइट वो एक अलग सिनेरियो है लेकिन प्रोग्राम में ही कहीं हो सकता है कि और मेमोरी की ज़रूरत पड़े दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फ्री फंक्शन को कॉल करें और उस एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करें ओके okay? इसे हम समझते हैं एक प्रोग्राम से मैं आपको उसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि फ्री कैसे वर्क करता है सो so, आपने मैलॉग का प्रोग्राम देखा ही होगा सो so, मैलॉग में हमने क्या किया था कि मैलॉग में हमने एक यूज़र से इनपुट लिया था कि कितने साइज़ की मेमोरी चाहिए देन हमने मायलॉग की मदद से उसे डायनेमिकली एलोकेट किया एंड देन उसके बाद हमने उस एलोकेटेड मेमोरी में एक फॉर लूप चलाकर वैल्यूज को उन ब्लॉक्स में डाला एंड देन उस ब्लॉक में जो वैल्यू हमने डाली उसे प्रिंट कराया एंड नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फ्री फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हम उसमें पास कर रहे हैं पी ये पी वही है जो देखिए यहाँ पर पी टी आर इज़ द सेम पॉइंटर जो कि मैलॉक के द्वारा एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है ओके okay, सो so, क्या होगा जब हम पी टी आर को पास कर देंगे फ्री में तो क्या होगा कि पी जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो डी एलोकेट हो जाएगी ओके और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्री करने के बाद पी जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी को फ्री कर देने के बाद अगेन मैं पी में जो पी जिसे पॉइंट कर रहा है जिस लोकेशन को उन वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहा हूँ ये देखने के लिए कि फ़्री करने के बाद में क्या प्रिंटिंग होती है इसके पहले जो प्रिंटिंग हो रही है वो मेलोक के मेलोक के द्वारा एलोकेशन के बाद हो रही है और यहाँ पर जो प्रिंट करा रहे हैं हम वो मेमोरी को फ्री करा देने के बाद में हम प्रिंट करा रहे हैं ओके चलिए इसे एग्जीक्यूट कर हो गया कंपाइल एंड ये हो गया, uh, गया एग्जीक्यूट अब एंटर द साइज ऑफ ब्लॉक मैं डालता हूं टू दो वैल्यूज लेते हैं फाइव एंड एट सो देखिए अब आप देखिए कि ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज ये हमने एंटर किया एंटर की गई वैल्यूज़ को प्रिंट कराया उसके बाद हमने क्या कर लिया फ्री को कॉल कर दिया सो so नाउ वैल्यूज़ जो हैं फ्री को कॉल करने के बाद में ये रैंडम एड्रेस वैल्यूज़ आ रही हैं इसका मतलब ये है कि पी जिसे पॉइंट कर रहा था एलोकेटेड मेमोरी को वो डी हो चुकी है अब वो वैल्यूज़ नहीं आ रही अब क्या आ रहा है सम रैंडम गार्बेज वैल्यू आ रही सो दिस शोज़ की फ्री की मदद से जो एलोकेटेड मेमोरी है वो डी एलोकेट हो जाती है सो so एक बात और कि जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो पी टी आर को हमने फ्री करा लिया है यानी पी टी आर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था उसे हमने फ्री करा लिया है तो so उसके बाद हमें उसमें नल पास कर देना चाहिए ताकि आगे आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे हम बच सकें तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है ओके सो दिस इज हाउ फ्री वर्कस आई होप आपको फ्री की वर्किंग समझ में आएगी सो सिंपल सा फंडा है कि फ्री क्यों यूज़ होता है फ्री यूज़ होता है ताकि हम डायनामिक मेमोरी जो कि प्रीवियसली एलोकेट की गई थी मैलॉग या कैलॉग यानी कि किसी भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन से जो भी मेमोरी एलोकेट की गई है उस एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट करना है रिलीज़ करना है फ्री करना है दैट इज़ वाई हम फ्री फंक्शन को कॉल करते हैं ओके okay, तो so इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं एक नए टॉपिक के साथ की पोचिंग स्पर्धा ज्ञान